नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रत्नेश, आपका स्वागत है वेटनरी होम्योपैथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली एक गंभीर समस्या डाउनस काउ सिंड्रोम के इलाज में बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली होम्योपैथी की कुछ खास दवाएं, बहुत ही कारगर होम्योपैथिक फार्मूला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डाउनर्स काउ सिंड्रोम जिसमें पशु बैठ जाए तो खड़ा नहीं हो पाता, पशुओं की एक गंभीर समस्या है। डाउनर्स काउ सिंड्रोम या जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में धरती पकड़ रोग भी कहते हैं, के इलाज में होम्योपैथी दवाओं का रिस्पांस बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इस रोग के संभावित कारण, लक्षण, बचाव और संबंधित तथ्यों की पूरी जानकारी किसी और वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो रिकमेंडेड टॉपिक पर है। तो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर और जानते हैं इसके इलाज की कुछ खास होम्योपैथिक दवाएं, बहुत ही कारगर होम्योपैथिक फार्मूला। दोस्तों, इस फार्मूले की पहली दो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन पल्साटिला और रस्टाक्स। दोनों दवाएं 200 पोटेंसी में, पल्साटिला 200 और रस्टाक्स 200। इन दोनों दवाओं के मिक्सचर की 5 बूंदे थोड़े से पानी में मिलाकर हर 4 घंटे पर 6 बार दें, अर्थात पहले दिन 24 घंटे में 6 बार। इस तरह से पहले दिन सिर्फ इन्हीं दो दवाओं का प्रयोग करना है, फिर दूसरे दिन से होम्योपैथिक मेडिसिन नक्सबोनका और ब्रायनिया। दोनों दवाएं 200 पोटेंसी में, नक्सबोनका 200 और ब्रायनिया 200। दोनों दवाओं के मिक्सचर की 5 बूंदे थोड़े से पानी में मिलाकर हर 4 घंटे पर 2 दिन तक दें, फिर दिन में 1 बार 5 दिन तक। दोस्तों, इस तरह से इन दवाओं के प्रयोग से पशु के बैठ जाने की स्थिति में, जब पशु बैठ गया हो, खड़ा नहीं हो पाता हो, की समस्या धरती पकड़ रोग डाउनर्स काउ सिंड्रोम के इलाज में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। प्रत्येक दवा 30 ml के पैक में लगभग 100 रुपए की कीमत में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो सजेस्टेड टॉपिक पर था, तो आप भी अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं, कोशिश करूंगा उस पर एक अच्छी सी वीडियो देने का। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।